तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लेटिना कंफर्ट। ये आपको मिलती है एलईडी वर्जन में। ये जो है वर्जन, ये नया वाला है, पुराने वाले वेरिएंट में आपको एलईडी नहीं मिलती है। और दोस्तों इसकी एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसकी जो हेडलाइट आप बाद में ऑन कर सकते हो, इसमें स्विच दे रखे हैं। बाकी आपको वेरियंट में स्विच नहीं मिलता है, प्लेटिना ही है जिसमें आपको एडिशनल स्विच मिलता है कि आपको चाहो तो जो मेन हेडलाइट है वो बाद में भी ऑन कर सकते हो। अब पीछे वाले लुक के पर आते हैं। जो पीछे वाले लुक दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। जो इसका जो बैक लाइट है वो भी काफ़ी अच्छी दे रखी है, काफ़ी वो हाईलाइट कर रखी है, अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। और इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप बात सोच रहे हो आज मैं इतने लुक्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका रेड कलर वेरियंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगे, जो इसकी लुक है बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींच रहे हैं। उसके सॉकर देख रहे हो वो भी काफ़ी कमाल, जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो वाइट सिल्वर गोल्ड और साथ में रेड, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त दे रखा है, वो काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अब इसकी करते हैं पावर की बात कि इसमें आपको क्या पावर मिलती है। तो आपको इसमें मिलती है 7.8 bhp की पावर, जो इस सेगमेंट के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो आपको इंजन मिलता है वो मिलता है 102 cc का इंजन। अब बात करते हैं इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा दे रखा है, ब्लैक विथ सिल्वर, तो काफ़ी अच्छा लगता है इंजन लुक्स भी। और अब बात करते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की, तो आपको फुल में मिलता है 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी और जो रिजर्व में मिलती है वो है 2 लीटर। तो टैंक भी काफ़ी अच्छा दे रखा है सिटी के लिए। और अब आते हैं इसके मीटर की तरफ, तो मीटर को आप जब भी देखोगे तो आपको एक सिल्वर कलर की फिनिश मिलेगी जो काफ़ी आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है और लुक्स में इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको लुक्स इसका। तो इसमें जो कलर है, मतलब जो शेप भी है, उसको भी आप देख सकते हो चेंज कर रखा है और अंदर वाइट कलर दे रखा है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ मीटर गेज दे रखा है और आपको इंडिकेशन मिलता है न्यूट्रल और हाई बीम की। और एक चेंज और कर रखा है, जो इसकी विंडशील्ड है उसको इसमें छोटा कर दिया गया है, इसको लुक को थोड़ा अच्छा करने के लिए इसको छोटा किया गया है। लेकिन जो विंड ब्लास्ट है वो अब ये इतनी अच्छी तरह से नहीं रोकता जितना पहले रुक पा रहा था। तो इसमें दोस्तों आपको मिलती है 6 LEDs, जो इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि इसमें अच्छे से आपको 6 LEDs फोकसली आपको मिलती है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो यहाँ पर नंबर प्लेट मिलती है उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा रखा है, जो इसकी जो एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन बाकी वेरिएंट में देखते तो ऐसे नीचे से मिलती है, लेकिन इसमें साथ में दे रखे तो एक थोड़ा सा अच्छा सा है। जो आपको व्हील मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 17 इंच के, काफ़ी बड़े व्हील साइज है। और जो टायर ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो टायर मिलते हैं वो मिलते हैं C8 के। और जो फ्रंट सस्पेंसर दे रखा है वो भी काफ़ी, जो इसका व्हील बेस है, मतलब व्हील बेस तो क्या, जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। और जो आपको मिलते हैं ये सेफ्टी गार्ड वो भी ठीक ठाक दे रखे, इतना तो अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो ये स्क्रू का यूज़ कर रखा है तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी बाइक गिरती है तो यहाँ से इसको कटने का ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास जो थी बजाज वी, उसमें क्या होगा, एक बार गिरी तो यहाँ से ये टूट गया था। अगर इसमें ये अंदर ही, मतलब ये बेल्ट अगर बेल्ट के होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ना कि स्क्रू से। अब बात करते हैं दोस्तों की सीटिंग कंफर्ट की। तो सीटिंग, पहली बात तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी बड़ी दे रखी है, दूसरी कि इसके सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, जो आगे बैठता है जो पीछे बैठता है उनके लिए दोनों ही में अच्छा कंफर्ट मिलता है। जो इसके फुट रेस्ट मिलते हैं वो बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे फुट रेस्ट आपको और किसी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। जो पीछे वाला भी वो भी काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग दे रखा है, और आगे लिए जो फ्रंट है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और बैठने के लिए जो आप सेफ देख रहे हो, काफ़ी अच्छी सेफ मिलती है आपको, ताकि आप लॉन्ग ड्राइव में अच्छे से बैठ सको। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, 100 cc वेरिएंट में ये चीज़ आपको देखने को बहुत कम मिलती है, वो है कि ग्लास, जो ग्लास दे रखी है, जो उनकी शेप जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी दे रखी है। ऐसे ग्लास आपको नॉर्मली 150 cc वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन 100 cc में ये चीज़ देख काफ़ी अच्छा किया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी है। और बात करते हैं, एक चीज़ आपको साथ में यहाँ और देखने को मिलती है वो है, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा और स्क्रू देखने को मिलता है। वो किस लिए मिलता है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ सेफ्टी गार्ड लगा सकते हो, प्लस अगर आप डिक्की वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से लगा सकते हो। वो चीज़ एक एक्स्ट्रा अच्छी कर दी उन्होंने। तो दोस्तों इस बाइक में जो चौक पोजीशन थी उसको चेंज कर दिया, पहले आपको हैंडल बार पर मिलती थी, अब वो मिलती है यहाँ पर। वैसे देखा जाए तो दोनों ही
उसमें क्या एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या प्लास्टिक की मिलती थी तो उसका टूटने का डर रहता है, लेकिन इसमें अब मेटल की कर दी है तो काफ़ी अच्छा है, ये लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा चलेगी। तो ये सब कुछ मिलता है आपको सिर्फ 47,700 रुपये में। प्राइस देखी जाए तो एकदम बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस प्राइस में देखा जाए, ये लुक्स प्लस ये कंफर्ट, ये सस्पेंशन और ये LED, इतनी सारी चीज़ें प्लस इस प्राइस पर, तो एक हम सब तो इसके लिए बनता ही है। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप जोधपुर से हैं होगा, वहाँ पर एक बार जाके विजिट कीजिए। अगर आपको लेनी है तो जरूर लीजिए। अगर दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।